नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन, पीएम मोदी सहित विदेशी मेहमान होंगे शामिल, डेलीगेट्स पर होगी पुष्प वर्षा। पिस्टल लहराने वाले युवक के खिलाफ जांच शुरू, एएमयू ने पुलिस ने हॉस्पिटल और कैंपस में खंगाले सीसीटीवी, पेक्टोरियल टीम से की बात। राजाजीपुरम में सराफा को दो बदमाशों ने मारी है गोली, सफेद कार में आए थे बदमाश, घर के गेट पर हमला हुआ, बैग से दुकान की चाबी लेकर गायब। मेरठ की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, सीकेट एग्जाम के दौरान दो छात्र गुट भिड़े, कई राउंड गोली चलाकर भाग गए। गाजियाबाद में 3 दिन तक लाश की बेकदरी, होटल में हुई थी महिला की हत्या, पोस्टमार्टम कराने में डॉक्टरों ने 60 घंटे दौड़ाया। असी घाट पर पंडो और श्रद्धालुओं के चलते लात घुसे, चंदन टीका के रेट पर पत्थरबाजी, घंटे भर तक चला बवाल। आगरा में अर्जेंटीना के पर्यटक मिला कोरोना संक्रमित, ताजमहल देखने आया था पर्यटक, अब नहीं मिल रही है लोकेशन। गाजियाबाद में ठगी करने वाले महिला समेत 5 अरेस्ट, अधिकारी बनकर रास्ते सस्ते लोन का झांसा देकर ऐंठते थे रकम। अलीगढ़ में कोहरे के हादसे रोकने की कोशिश की जा रही है, गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। गाजियाबाद में दरोगा ने कवित्री से किया है रेप, डीसीपी के पीआरओ पर मुकदमा दर्ज, रेप पर अश्लील वीडियो बनाई और बाद में कराया गर्भपात। बरेली में गला घोटकर युवक की हत्या, गर्दन पर शर्ट के आस्तीन बंधी थी, 5 दिनों पहले जमानत पर छूट कर आया, फिर लापता था। फतेहपुर में ट्रैक्टर के नीचे दबकर महिला की मौत, खेत से लौटते वक्त आई चपेट में, ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में सभासद पर मुकदमा, आवाज दिलाने के नाम पर महिला से नैनीताल चलने को कहा, मना करने पर पीटा। ट्रांस यमुना की आयरन फैक्ट्री पर सीजीएसटी विभाग की छापेमारी, संचालक से आय व्यय का लिया गया ब्यौरा, टैक्स की हेराफेरी सामने आई। दोस्तपुर में 3 घरों से 1.25 करोड़ के जेवर चोरी, छत के रास्ते घुसे थे बदमाश, 3 बदमाशों ने नकदी पर किया हाथ साफ। चंदौली में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी, पुलिस की गश्त पर लोगों ने उठाए सवाल, 125 बोरी सीमेंट के साथ अन्य सामान चोरी। फतेहपुर पुलिस लाइन में जवानों ने सीखा योगा, एसपी ने साफ सफाई का दिया जोर, बोले कोविड गाइडलाइंस का करे पालन। हापुड़ में नए साल पर रहेगी अभेद सुरक्षा व्यवस्था, 10 सेक्टर में 1500 जवान करेंगे निगरानी, जिला 1 सुपर और 3 जोन में बांटा। कोविड प्रोटोकॉल में होगा माघ मेला, प्रयागराज में 16 प्रवेश द्वार होंगे थर्मल स्कैनिंग, बनेगा हेल्प डेस्क। औरैया में दुष्कर्म पर पास्को में फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, घोषित था 5,000 का इनाम। गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेजों पर 44 लाख लोन,
आरोपी पैसे नहीं लौटाए, बैंक कर्मियों को जान से मारने की दी धमकी। कौशाम्बी में महिला को बैट टच करने वाला डीपीओ गिरफ्तार, डीएम की संस्तुति के बाद दर्ज हुआ केस, महिला सहकर्मी से करता था छेड़छाड़। जालौन में प्राचीन मंदिर से अर्ध धातु की मूर्तियां चोरी, चोरों ने पुजारी को नशीला पदार्थ सुखाकर की वारदात को अंजाम, पुलिस कर रही है जांच। बंधक बनाकर नौकरानी को पीटने वाली महिला वकील गिरफ्तार, लिफ्ट में मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल, मुकदमा दर्ज होने के बाद थी फरार। खुद को आईएएस बताने वाले व्यक्ति ने दी है जान, इटावा में फंदे से लटकता मिला है शव, किराए के मकान में रहता था। अलीगढ़ में आरटीओ परिवर्तन के ड्राइवर का रिश्वत लेते हुआ है वीडियो वायरल, डॉक्टर ड्राइवर फिलहाल नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। गाजियाबाद के एलिवेटेड में कार के बोनट पर बैठे व्यक्ति द्वारा खुले में हुक्का पीने का वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो नंदग्राम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में दबंग मेडिकल स्टोर संचालक ने मामूली विवाद में जमकर की है मारपीट, पिटाई का वीडियो हुआ है वायरल। लखीमपुर खीरी पुलिस ने लूट की घटना को दिया किया है खुलासा, लूट की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में आवारा जानवरों से परेशान किसान का अनोखा प्रदर्शन, पीड़ित किसानों ने हाई टेंशन टावर पर बनाया अपना आशियाना। अलीगढ़ में सर्दियों की आहट से चोर मस्त, पुलिस परस्त, दहेज का सामान ले गए चोर, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और में एक बार फिर तमंचे के बल पर की गई लूट, सराफा व्यापारी के साथ तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। अमरोहा में शिक्षक विधायक ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से की है मुलाकात, विभिन्न समस्याओं पर की है चर्चा। औरैया पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया, सांसद ने पंचायत में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी, पंचायत में हर विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। अमरोहा में भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है धरना प्रदर्शन, चौधरी दिवाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भेजा। अयोध्या में चक्रोड की पैमाइश को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है, पांच अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बांदा के श्री कृष्णा आइडियल स्कूल में आयोजित हुई है खेलकूद प्रतियोगिता, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष बलक कुदमुन शुक्ला ने किया है शुभारंभ। गुना में छुट्टा पशुओं पर नहीं लग रहा है लगाम, छुट्टा पशुओं की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, जिससे लोगों को जान से अपना हाथ धोने पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश पर पुनः बांदा मंडल कारागार पहुंचा बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद कोर्ट पेशी में गया था बाहुबली। गाजियाबाद में बड़ा हादसा होने से टला, ओला गाड़ी और निकिया गाड़ी में जोरदार टक्कर, हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बांदा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 12 साल के वांछित चल रहे अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया है गिरफ्तार। कानपुर में AK-47 वाली भतीजी के सहारे बर्खास्त सिपाही चल रहा है हनी ट्रैप,
गैंग देश के कई शहरों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बना चुका है अपना शिकार, उस पर केस दर्ज। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला है युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर निगम लखनऊ द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचाए जाने को लेकर की गई है व्यवस्था की जांच, रैन बसेरों समस्त क्षेत्रों में 52 अस्थायी रैन बसेरे। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आरोपी फरार है, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में ठंड व भूख से दम तोड़ रहे हैं गौवंश, जिम्मेदार कौन और जिम्मेदार मौन भी, एक महीने से चारे व भूसे के अभाव में ठंड से तड़प रहे हैं बेजुबान गौवंश। प्रतापगढ़ में मनाया गया कांग्रेस की स्थापना दिवस, विधायक रामपुर खासा आराधना मिश्रा व सांसद प्रमोद तिवारी ने झंडे रोहण कर दी सलामी। रायबरेली में पॉलिथीन को लेकर प्रशासन सख्त, शासन के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने पॉलिथीन को लेकर दुकानों पर की है छापेमारी। कैसरबाग में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 10 फीट सड़क के बीच में हुआ है गड्ढा, अचानक सड़क धंसने से लोगों की लगी भीड़। रायबरेली में दो बच्चों की मां प्रेमी संग हो रही थी फरार, शहर के सिविल लाइंस ओवरब्रिज पर पकड़ी गई। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से हुई है मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा वांछित आरोपी, बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गोंडा में छाया रहा घना कोहरा, 30 मीटर दूरी पर पैदल आते जाते तक नहीं दिखाई दे रहे लोग और वाहन। हमीरपुर में सराफा व्यापारी की दुकान में हुई है डकैती का मामला, पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, इसमें पुलिस ने दो बदमाशों को किया है गिरफ्तार। कानपुर में कलयुगी मां बाप ने नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंका, कड़ाके की ठंड की वजह से नवजात बच्ची की हुई है मौत, मां बाप की तलाशी में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में सीओ मितौली आदित्य कुमार को मिली है बड़ी कामयाबी, क्राइम ब्रांच व पुलिस की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को धर दबोचा। अपना दल ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है, अंजलि पटेल प्रदेश अध्यक्ष, श्रमिक मंच सोनभद्र बनी। रायबरेली में हादसे का लाइव वीडियो हुआ है वायरल, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचला, हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। मदरसों में छुट्टी के विवाद को लेकर कमर अली का बयान, बोले बोर्ड में सबकी सहमति से होंगे फैसले। रायबरेली में सड़क किनारे फेंका मिला 2 दिन का नवजात शिशु, इलाके में फैली सनसनी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, बोले वर्षों से उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की बदली हुई तस्वीर है ये। राम मनोहर लोहिया संस्थान में नहीं मिला है 6 माह से सुरक्षा कर्मियों को वेतन, रातों में अस्पताल परिसर में फर्श पर सोने को मजबूर सुरक्षा कर्मी। ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले भाजपा आज ओबीसी कल दलितों से अधिकार छीनेगी, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। हाथस में सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक से बहन के घर जा रहा था, अलीगढ़ ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर।
सात महामंडलेश्वर की हत्या की साजिश में खुलासा। आरोपी विक्रम ने इंस्टाग्राम पर बिलावल भुट्टो और प्रियंका गांधी को किया था मैसेज। अलीगढ़ में जय की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझी है। बिजली विभाग के जय ने किया था सुसाइड, परिजन नहीं चाहते थे कोई एक्शन। बहु पॉलिटेक्निक छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने मारी है गोली, कंधे में फंसी है गोली। जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर, तीनों बदमाश हुए फरार। लखीमपुर खीरी प्रवासी परिंदों से गुलजार है दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व। सैलानियों के साथ साथ हजारों मेहमान पक्षियों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारियां। बुलंदशहर नगर में अवैध पेट के खिलाफ चल रहा है पुलिस का डंडा। सामान लेकर भागे पेट बाजारी, पेट बाजारियों में मचा हड़कंप। ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले मैं अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी की बात की तो मेरी बात को सुना नहीं जाता है। लखनऊ में पुलिस व डीसीपी पूर्वी को सर्विलांस टीम को मिली है बड़ी सफलता। संयुक्त टीम ने 8 साथी लुटेरों को किया है गिरफ्तार। किसानों की समस्याओं का ज्ञापन देने पहुंचे सपाहियों को रोका। मेरठ कमिश्नर कार्यालय में गेट किया बंद, बोले आज छुट्टी है कल आना। ललितपुर में बेटी ने माता पिता पर लगाए हैं गंभीर आरोप, बोली दोगुनी उम्र के व्यक्ति से शादी का बना रहे दबाव, एसपी ने लगाई गुहार। फिरोजाबाद में यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापार मंडल का धरना, पदाधिकारियों ने घंटाघर चौराहे पर दिया धरना। भदोही में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में 4 महीने से चल रहा था फरार, 2 जिलों में दर्ज है 4 मुकदमे। अस्पताल संचालक पर मेहरबान है स्वास्थ्य विभाग। संत कबीर नगर के में बच्चे की मौत का मामला है, 2 दिन बीते पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।